सर मैं बलविंदर सिंह, प्रेसिडेंट सिख प्रेस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिखों के साथ जो रियासत में पिछले 3 साल से बेइंसाफियां की जा रही हैं उनको यहां उजागर करने के लिए आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले मैं ये कह दूं कि ये जो सरकार जब सत्ता में आई थी इसने ये दावा किया था कि ये 135 करोड़ आबादी को साथ लेके चलेंगे, माइनॉरिटीज को साथ लेके चलेंगे, कांग्रेस की तरह अपीजमेंट पॉलिसी नहीं करेंगे और ना ही वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन सरकार ने सबसे पहला झटका सिखों को जो दिया बेइंसाफी का वो 2017 था, जब कश्मीर में एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने लगी तो जो विस्थापितों के लिए कुछ चीजें आई, वहां नॉन माइग्रेंट कश्मीरियों के लिए भी कुछ पोस्ट, कुछ जॉब रखी गई। तो कश्मीर में जब नॉन माइग्रेंट कश्मीरी के लिए पोस्ट रखी गई उसमें सिख बच्चों ने भी फार्म भरने शुरू किए, उसमें अमेंडमेंट कर दी, उसने कहा नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित वहां सिखों को, जो सिखों ने जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की, जिन्होंने वहां हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके बैठे रहे, सिखों ने भी बहुत कुर्बानियां दी श्रीनगर में, 150 के करीब सिख भी वहां मारे गए, चिट्ठी सिंह पूरा में सिख मारे गए, लेकिन उसके बावजूद सिखों को वहां पर जॉब के लिए वहां डिबार कर दिया गया। अब पंडितों को देते हो मुबारक हमें कोई त्राजी, लेकिन सिखों का जो लेजिटिमेट राइट था, सिख नौजवान जो हमारे कश्मीर के थे उनको आपने डिबार किया। नंबर दो, जब जम्मू में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, पहली बार हुआ जब से कमीशन बना है कि सिख मेंबर को उसमें नहीं लिया गया, बीजेपी की तरफ से यह दूसरा झटका सिख कम्युनिटी को दिया गया। तीसरा, जब JKUT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 पार्लियामेंट में रखा गया, और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनको मैं सीधा सीधा दोष दूंगा कि जिन्होंने सेंट्रल सरकार को गुमराह किया, यह कहा कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी बोलने वाले सिर्फ 2% लोग हैं, उस वजह से पंजाबी को वहां से बाहर रखा गया, पंजाबी को शामिल नहीं किया गया। जबकि मैं दावे से कहता हूं ये खुद भी घर में पंजाबी और हिंदी मिक्स बोलते हैं, 40% लोग जम्मू कश्मीर में हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, उसके बावजूद पंजाबी को बाहर रखा गया। और आज के दौर में जो आज इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ये बेइंसाफियों का डिस्क्रिमिनेशन का दौर खत्म नहीं हुआ। आज के दौर में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उन्होंने 6/10 को एक आर्डर निकाला, उन्होंने भी ये कहा कि जो हायर एजुकेशन में है जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी है उनके लिए कुछ कोटा रखा जाएगा, 10% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा कट ऑफ लिस्ट में, तो उसमें भी हमने सोचा था शायद सिखों को भी रखेंगे, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू, दोज हू हैव नॉट लेफ्ट द वैली, जो कश्मीर छोड़कर नहीं आए उनके बच्चों के लिए वहां पर कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को। मैं पूछना चाहता हूं सिखों ने क्या गुनाह किया? क्या सिखों ने आपसे कभी कोई खैरात मांगी? क्या हमने आपसे कभी किसी चीज का अनड्यू बेनिफिट मांगा? नहीं। अगर शहीदियों की पे देखा जाए कितने पंडित मारे गए, कितने सिख मारे गए, अगर उस हिसाब से हम डिमांड करें तो हिंदुस्तान में जो कोई अगर 100 वैकेंसी निकलती है उसमें से 80 वैकेंसी हमारी बनती है, क्योंकि हमने 80% से ज्यादा कुर्बानियां दी। लेकिन हम कहते हैं ऐसा नहीं, देश के लिए मर मिटे हैं, हमें फख्र है। लेकिन बात आती है, अगर आपने पंडितों को पैकेज दिया तो कश्मीरियों को, सिख बच्चों को इसमें से बाहर क्यों रखा गया? मैं सरकार से, केंद्रीय सरकार से, प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करता हूं और LG साहब से दरख्वास्त करता हूं कि जो आपने वायदे किए थे सबको साथ लेकर चलने के लिए, इतना जो जुल्म कांग्रेस सिखों के साथ करती रही वो बंद, वो आपने उसको क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस को, लेकिन आपने भी वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे सिखों के साथ कंटिन्यू की है। मैं अफसोस से कहता हूं और मैं अपील करता हूं कि ये डिस्क्रिमिनेशन बंद कीजिए, या तो मैं ये कह दीजिए कि जब तक बीजेपी सरकार है माइनॉरिटी के साथ ऐसा ही होता रहेगा, रहना देश में रहो, नहीं तो जहां जाना चाहते हो चले जाओ। आप पाकिस्तान से लोगों को लाके यहां पर बसाने की बात करते हो, सिखों को और हिंदुओं को क्या दोगे उनको? जो यहां फंसे हुए आप उनको उजाड़ रहे हो, वहां उनको आप ड्यू राइट्स नहीं दे रहे, तो बाहर के बुला के लोगों को सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हो। आपको पता है सिखों की वोट से ना तो हमारी सरकार बनेगी ना हमारी सरकार गिरेगी, इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स आपने भी नहीं छोड़ी। मैं दरख्वास्त करता हूं एक बार फिर कि इन चीजों पर गौर किया जाए, हमारे साथ बेइंसाफियां बंद की जाए।